हेलो एवरीवान लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैंने आपके सामने उसका डेफिनेशन मैंने बताया था उसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे और एक बार मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का नंबर रिलेटेड प्रॉपर्टी है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वैक्टर फील्ड है और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो आपके पास इक्वेजन है आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इट इज इक्वल टू ई इंटू एस बट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर यह है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो आपके एरिया के थ्रू परपेंडिकली पेनिट्रेट कर रहा होगा तब जाके आप बोल सकते हो कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दैट इज ई एस बट अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये आता है कि अगर किसी एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सरफेस को पेनिट्रेट करे या आपने अपने सरफेस को इनक्लाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखा किसी डिफरेंट एंगल पे रखा तो उस केस में आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डॉट फॉर्म के प्रोडक्ट में डिफाइन करते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट एस वेक्टर और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट की बात करते हो डॉट प्रोडक्ट से आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है दैट मींस आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये स्केलर क्वांटिटी है नेक्स्ट पार्ट अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप बोल सकते हो कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज़ इक्वल टू एक्सपैंड कर लो इसको ये आपके पास ई इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा अब ये थीटा यहां पर इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि आपके पास थीटा का वैल्यू जीरो हो सकता है थीटा का वैल्यू टेन डिग्री ट्वेंटी डिग्री अप टू तो नाइन्टी डिग्री कुछ भी हो सकता है दैट मीन्स थीटा एक्यूट हो सकता है थीटा नाइनटी डिग्री भी हो सकता है अच्छा थीटा आपका हंड्रेड हंड्रेड टेन जा सकता है हंड्रेड ट्वेंटी जा सकता है थीटा आपका ऑब्ट्यूज भी हो सकता है थीटा आपका वन एटी भी हो सकता है दैट मीन्स अगर मैं यहां पर थीटा की बात करूं तो पहला जो आपके पास केस आ जाएगा तो पहले केस वन लेता हूं केस वन की बात करता हूं लेटस एज्यूम मैं थीटा को यहां पे जीरो डिग्री के बराबर लेता हूं अच्छा थीटा क्या था थीटा आपका एंगल था एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का थीटा आपका एंगल होता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। यहां पर जब मैं थीटा का वैल्यू जीरो ले रहा हूं तो आपको पहले ही पता है कि जो आपके पास कॉस जीरो है वो आपका वन के बराबर होता है अगर कॉस जीरो बराबर होता है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर आ जाएगा इट विल इटव एस इंटू कॉस जीरो की जगह पे वन लिख दो तो ई इंटू एस ही आ जाएगा इसी तरीके से अगर मैं यहां पे केस टू लू देख लो केस टू में मैं क्या कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं थीटा जीरो से बड़ा है थीटा जीरो से बड़ा है जीरो वाला तो हो गया केस अब थीटा जीरो से बड़ा है मगर आपका जो थीटा है वो नाइनटी से छोटा है 90 डिग्री नहीं ले रहा हूं 90 डिग्री नहीं ले रहा हूं मैं रेंज ले रहा हूं मैं जीरो से बड़े वाले एंगल्स ले रहा हूं और 90 से छोटे वाले एंगल्स ले रहा हूं ये सारे के सारे एंगल्स आपके एक्यूट एंगल के हालाते हैं दैट मैं थीटा को एक्यूट रख रहा हूं फॉर थीटा एक्यूट एंगल जब आपका थीटा एक्यूट एंगल होगा आपको पता है कि कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल जो आपके पास होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इस पूरे रेंज के लिए आपका जो थीटा होगा वो आपके पास पॉजिटिव होगा अगर कॉस थीटा आपके पास पॉजिटिव है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा तो ये हो गया दूसरा केस तीसरा केस मैं यहां पर थीटा 90 ले लूंगा तो तीसरा केस क्या बनेगा थीटा को 90 लेते हैं तो केस नंबर थ्री अब मैं थीटा यहां पर 90 डिग्री लेता हूं और आपको पता होना चाहिए कि कॉस ऑफ 90 डिग्री जो होता है वो जीरो के बराबर होता है दैट मीन्स अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इस वक्त बात करूं, इट विल बी ई इंटू एस और कॉस 90 की जगह पर आप जीरो मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास जीरो आ जाएगा

मैं केस फोर यहां पर ले रहा हूं देख लो केस फोर में मैं थीटा को नाइनटी से बड़ा लेने वाला हूं बट जो, जो एंगल है बड़ा है और यहां पर आपका थीटा 180 से छोटा है ऑब्ट्यूस एंगल है और फॉर ऑब्ट्यूस एंगल आपका जो कोसाइन होता है थीटा इस वाले रेंज के लिए जो होगा ये नेगेटिव होगा तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आपको मिलेगा इस पूरे रेंज में आप देखोगे कि वो आपको यहां पर नेगेटिव मिलेगा तो इन चीजों को अभी अंडरस्टैंड करना है बट फिलहाल के लिए बस मैं केसेस को डिस्कस कर रहा हूं थोड़ा आपको आइडिया मिल रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका जीरो भी हो सकता है तो ये थोड़ा आइडिया आपको यहां पर मिल रहा होगा चलो लास्ट केस देखते हैं अगर मैं यहां पर केस फाइव की बात करूं दैट मीनस अब मैं थीटा यहां पर वन डिग्री लेने वाला हूं तो थीटा को 180 डिग्री कर दिया 180 से बड़ा एंगल नहीं आप ले सकते हो क्योंकि आपका जो फॉर एग्जांपल एंगल बिटवीन वेक्टर्स है ना वो जीरो से 180 तक ही होता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन 180 डिग्री तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए इलाम्स में पढ़ते हो आप तो फिलहाल के लिए आपका जो थीटा यहां पर है 180 डिग्री है cos 180 डिग्री ये आपका -1 होता है कॉस 180 डिग्री जो है आपका ये माइनस वन के बराबर होता है तो अगर मैं फ्लक्स की बात करूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो ई e अपनी जगह पर एस अपनी जगह पर कॉस वन की जगह पर माइनस लगा दो दैट मींस आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वाले केस में है आपको वो नेगेटिव मिल रहा है

अब यहां पर आप क्या कर सकते हो आप एक एनक्लोज सरफेस ले सकते हो चलो मैं लेता हूं एनक्लोज सरफेस

और आप बोल सकते हो कि आपने एरिया वेक्टर इस एनक्लोज सरफेस के बाहर डाल दिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो है मगर यहां पर आप देख सकते हो कि आपका जो एरिया वेक्टर है आपने वो आउटवर्ड ड्रॉ करा बट आप इनवर्ड भी तो ड्रॉ कर सकते हो ना इनवर्ड ड्रॉ करने का मतलब होगा कुछ स्टाइल में दैट मीन्स आपका एरिया वेक्टर आपके एनक्लोज सरफेस के अंदर है यहां पे ये यह वाला

आपके एनसीआर बुक है या आप जो भी बुक पढ़ रहे हो तो आप देखोगे वहां पर कि वो हमेशा एरिया वेक्टर को आउटवर्ड्स ही ड्रॉ करेंगे तो दैट मींस आपकी क्लास के लिए ये आपका एरिया वेक्टर हो नहीं सकता इनवर्ड कभी भी एरिया वेक्टर ड्रॉ नहीं करना है अगर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे एनक्लोज सरफेस के लिए एनक्लोज सरफेस के लिए यू हैव टू ड्रॉ इट आउटवर्ड्स यू हैव टू ड्रॉ इट आउटवर्ड्स तो होपफुली अभी तक कहीं पे किसी को डाउट नहीं होगा कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि ये केसेस का मतलब है क्या एक्चुअली डायग्रामेटिकली समझते हैं uh, तो अभी तक हमने देखा कि आपके पास जीरो फ्लक्स हो सकता है आपके पास पॉजिटिव uh, फ्लक्स हो सकता है नेगेटिव फ्लक्स हो सकता है डायग्रामेटिकली इन चीजों को समझते हैं लेट अस कि आपके पास एक सरफेस है ये मैंने एक सरफेस ले लिया इस सरफेस पे मैं एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो चलो मैं इस पे एरिया वेक्टर ये ड्रॉ कर रहा हूं बहुत सही अब यहां पर जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ करूंगा ना चलो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मगर यहां पर आप देखोगे कि वो वेक्टर कहीं किसी ना किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा ना क्योंकि वेक्टर का आपके पास तेल होता है किसी ना किसी पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर इस स्टाइल का ले रहा हूं ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है यह आपका एरिया वेक्टर है आप खुद से देख लो ये दोनों का टेल को इन कर रहा है और एंगल जो यहां पर मैं ले रहा हूं वो थीटा है और थीटा यहां पर एक्यूट है थीटा यहां पर एक्यूट है यह चीज समझो यहां पे दैट मींस मैं इस वाले केस को ले रहा हूं मैं पॉजिटिव फ्लक्स को समझने की कोशिश कर रहा हूं आप रा बोल सकते हो कि मैं ये वाला केस भी ले रहा हूं क्योंकि इस वाले केस में भी फ्लक्स क्या है पॉजिटिव है ये समझो मैं क्या बोल रहा हूं दैट मीनस हम पॉजिटिव वाले फ्लक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या है क्योंकि यहां पर आपका थीटा क्या है एक्यूट है और मैंने पहले ही कहा था कि जब थीटा एक्यूट होगा आपका फ्लक्स पॉजिटिव होगा दैट मीनस जब आपका फ्लक्स पॉजिटिव होगा वो तो ये दो केसेस है ना

ये आप देख सकते हो तो दैट मीन्स मैंने अब पूरा ये जो आपके एक्चुअल में आपके पास सरफेस तो ये वाला है बट मैंने क्या किया मैंने इस सरफेस को लिया और मैंने सिंपली एक यहां पे क्यूब या क्यूबर्ड का फॉर्म यहां पे बना दिया दैट मीनस अब ये एनक्लोज सरफेस बन गया अब यहां पर जरा ये समझो कि इस एनक्लोज सरफेस पर आपने एरिया वेक्टर सही से ड्रॉ किया ना आउटवर्ड बिल्कुल सही अब दूसरा पॉइंट समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है आपको क्या लग रहा है कि ये एनक्लोज सरफेस के अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है डायरेक्टली आप, आप, आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफे से बाहर आ रहा है जब भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपके एनक्लोज सर्फे से बाहर आएगा ना आप बोलोगे कि उस सरफेस के एसोसिएटेड आपका पॉजिटिव फ्लक्स है पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब होगा जो आपके एनक्लोज सर्फे से बाहर आ रहा होगा दैट इज योर पॉजिटिव फ्लक्स जो कि यहां पर डेफिनेशन से हमें समझ में आ रहा है सो दिस इज योर पॉजिटिव फ्लक्स दिस इज योर पॉजिटिव फ्लक्स आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ एनक्लोज सरफेस तो होपफुली कहीं पे पर डाउट नहीं होगा अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं ये तो ये पॉजिटिव फ्लक्स तो समझ में आ गया दैट मीन्स पॉजिटिव फ्लक्स यहां पे डन हो गया अब नेगेटिव फ्लक्स की पहले बात करते हैं नेगेटिव फ्लक्स कहां पर है आपका ये है नेगेटिव फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स के लिए थीटा को क्या रखना है ऑब्टूस रखना है तो अगेन मैं यहां पर एक एरिया लेता हूं आप देखते जाओ मैं यहां पर एक एरिया ले रहा हूं ये मैंने एक एरिया ले लिया अब अगर मैंने ये एरिया लिया एरिया वेक्टर ड्रॉ करना आता है ना आपको तो देख लो मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं ये मैंने एरिया वेक्टर ड्रॉ किया बट इस वक्त आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो क्या बनाना चाहिए वो यहां पे ऑब्ड्यूस एंगल बनाना चाहिए देखो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ कैसे कर रहा हूं ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ करा और ये आपके पास यहां पे एरिया वेक्टर है आप देख सकते हो कि ये एंगल यहां पर एनक्लोज हो रहा है इन दो वेक्टर्स के बीच में और डायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि आपका जो थीटा है वो यहां पर आपका ऑप्ट्यूस एंगल है वो यहां पर एक्यूट एंगल नहीं है अगेन आप क्या करोगे अगेन आप यहां पर एनक्लोज सरफेस बना दो इमेजनरी एनक्लोज सरफेस को मैं इसमें इसको कन्वर्ट कर दो अब कैसे आप करोगे यहाँ पे आपको पता है कि आप क्यूब को ऊपर की तरफ नहीं ले सकते हो क्योंकि फिर तो आपका ये एरिया वेक्टर इनवर्ट आ जाएगा क्यूब के अंदर आ जाएगा आपको इस एरिया वेक्टर को क्या रखना होता है एनक्लोज सरफेस के बाहर तो एनक्लोज सरफेस को सही से फॉर्म करना होगा तो लेटेस एज्यूम ये आपका एनक्लोज सरफेस है ये आपका एनक्लोज सरफेस है यहां पे अब आप खुद से देख लो आपको लग रहा होगा कि एज इफ की ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इस बॉक्स के आपके इस क्यूब के अंदर जा रहा है आप ऐसे देख सकते हो मैं इसको एक्सटेंड करता हूं बैकवर्ड ये देख लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके बॉक्स के अंदर पेनिट्रेट करके चली गई हाँ दूसरे साइड से बाहर भी आ सकती है मुझे उसके साथ अभी कुछ नहीं मैंने इसको बाहर लिया नहीं बस मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आपको सीधे लग रहा है कि वो बॉक्स के अंदर जा रही है ऐसे फ्लक्स को आप इनवर्ड फ्लक्स कहते हो और ऐसा फ्लक्स आपका क्या होता है नेगेटिव फ्लक्स होता है क्यों क्योंकि थीटा एक्यूट सॉरी है।, है ना यहां पे तो आप यहां पर बोल सकते हो कि ये आपका नेगेटिव फ्लक्स है ये आपका यहां पर नेगेटिव फ्लक्स है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज इनवर्ड विद रेस्पेक्ट टूर एनक्लोज सरफेस तो आप बोल सकते हो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड्स विथ रेस्पेक्ट एनक्लोज सरफेस विद रेस्पेक्ट टू एनक्लोज सरफेस तो यह आपके पास यहां पर बात हुई पॉजिटिव फ्लक्स की और नेगेटिव फ्लक्स की अब आपके पास और एक केस था जीरो फ्लक्स अब आपके पास और एक केस था जीरो फ्लक्स बट उस केस पे जाने से पहले थोड़ा और जरा देख लो अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट कहां से होता है पॉजिटिव चार्ज से टर्मिनेट कहां पे होता है नेगेटिव चार्ज पर दैट मींस यहां पर मैं बोल सकता हूं ना कि मे बी इस बॉक्स के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज हो मे बी इस बॉक्स के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज हो और उसी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उठेगा और इस बॉक्स के बाहर आ जाएगा दैट मींस पॉजिटिव फ्लक्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो सकता है प्रोवाइडेड कि आपने पॉजिटिव चार्ज को आपने सरफेस में एनक्लोज करके रखा हो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं रिपीट करता हूं कि पॉजिटिव फ्लक्स जो आपका होगा वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा प्रोवाइडेड आपने पॉजिटिव चार्ज को कहां रखा होगा आपने उसको सरफेस के अंदर एनक्लोज करके रखा होगा अब सिमिलरली मैं ऐसे बोल सकता हूं ना जरा देख लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है दैट मीन ए टर्मिनेट होना चाहता है यहां पर आ रहा है आपके बॉक्स के अंदर आ रहा है तो मे बी बॉक्स के अंदर नेगेटिव चार्ज हो अगर बॉक्स के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा अब देख लो ना बॉक्स के अंदर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका टर्मिनेट हो रहा है नेगेटिव नेगेटिव चार्ज चार्ज पे दैट मींस बॉक्स के अंदर है अगर आपके एनक्लोज सरफेस के अंदर एक नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव फ्लक्स होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव फ्लक्स होता है नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव फ्लक्स होता है प्रोवाइडेड आपके चार्जेस जो है ना वो आपके एनक्लोज सर्फेस में हो यह पार्ट इंपॉर्टेंट है अब लास्ट केस देखते हैं जीरो फ्लक्स जीरो फ्लक्स वो आपके पास एग्जैक्टली exactly ये वाला केस है यहां पर जीरो फ्लक्स में मैंने बोला था थीटा किसके बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए चलो तो देखते हैं लेट अस अज्यूम ये आपके पास एरिया है ये आपके पास एक सरफेस है सरफेस पे क्या ड्रॉ करोगे एरिया वेक्टर तो कर लो ड्रॉ ये देख लो मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं यह आपका एस वेक्टर ड्रॉ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रखना है ऑर्थोगोनल विद रेस्पेक्ट टू एरिया वेक्टर, विद रेस्पेक्ट टू एरिया वेक्टर, विद रेस्पेक्ट टू एरिया नहीं मैं बोल रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू एरिया वेक्टर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ऑर्थोगोनल कर देना है कर दो तो देख लो मैं कर रहा हूं यहां पर यह आपका इलेक्ट्रिक फील है यहां पर यह आपका इलेक्ट्रिक फील है यहां पर आप देख लो ऑर्थोगनल हो गया और साथ साथ में आपको यह भी लग रहा होगा कि एज इफ आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह आपके सरफेस को गेज कर रहा है सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर रहा है यह है ना और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा देख लो अगर मैं इस सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग एक एनक्लोज सरफेस क्रिएट करो Rather, एक एनक्लोज वॉल्यूम क्रिएट करूं वॉल्यूम एनक्लोज हो रहा है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं सो so, अगर मैं यहां पर एक एनक्लोज वॉल्यूम क्रिएट करूं यहां पे, तो आप यहां पर देख सकते हो कि कोई भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस बॉक्स के ना अंदर आ रहा है ना बाहर आ रहा है तो ना आपका इनवर्ड फ्लक्स है ना आउटवर्ड फ्लक्स है तो आप बोल सकते हो कि नेट फ्लक्स यहां पर कितना होगा नेट फ्लक्स यहां पे जीरो होगा अब नेट फ्लक्स जीरो का मतलब यहां पर आप और एक तरीके से समझ सकते हो मैं दिखाता हूं और एक एग्जाम्पल आप ऐसे कर सकते हो कि लेटस एज्यूम कि आपके पास एक एनक्लोज सरफेस ये है एज्यूम आपके पास एक एनक्लोज सरफेस ये है ये आपके पास एनक्लोज सरफेस है अब यहां पर समझो कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं ये देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है आपके एनक्लोज सरफेस के बट दूसरे साइड से बाहर आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इनवर्ड्स है अगर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा अगर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आउटवर्ड होगा मैं रिपीट कर रहा हूं जितना आपका इनवर्ड फील्ड है अगर उतना ही आउटवर्ड फील्ड होगा आप यहां पर क्या बोल सकते हो कि नेटफ्लक्स जो आपका यहां पर इस एनक्लोज सरफेस के लिए है दैट इज जीरो ये पार्ट इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप देख लो यहां पर अगर मैं बात करूं एक ही सरफेस के रिलेटेड हां इस सरफेस में इस सरफेस के अंदर फ्लक्स पेनिट्रेट कर रहा है इस सरफेस के अंदर भी फ्लक्स पेनिट्रेट कर रहा है बट अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह बनता है कि आपके इस पूरे सरफेस के अंदर क्या नेट फ्लक्स है नेट फ्लक्स नहीं है क्योंकि जितना फ्लक्स आपके इस सरफेस के अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है नेट फ्लक्स इस सरफेस में है नहीं इसका मतलब क्या होगा कि अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूं आपका ये इनवर्ड लाइन है ना इनवर्ड लाइन का मतलब कि यहां पर इनवर्ड लाइन के वक्त आप बोल सकते हो कि मे बी यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तभी जाके इनवर्ड लाइन इस पर टर्मिनेट होगी तो इसका मतलब ही होता है कि अंदर कोई नेगेटिव चार्ज है मगर यहां पर आपके पास आउटवर्ड गोइंग लाइन भी तो है ना आउटवर्ड गोइंग लाइन का मतलब क्या होता है आउटवर्ड गोइंग फील्ड का मतलब क्या होता है कि अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है दैट मीनस यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है नेट चार्ज कितना होगा अगर यहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर बराबर हुए दैट मींस इस सरफेस में आपका नेट चार्ज जीरो है दैट मींस इस सरफेस के रिलेटेड जब आप फ्लक्स की बात करोगे आपको वो जीरो लेना पड़ेगा तो ये आपका मतलब होता है जीरो फ्लक्स का जीरो फ्लक्स का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके एक सर्फेस के पैरल है नहीं यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट करेगा एक सर्फेस को और आपके एनक्लोज वॉल्यूम में या एनक्लोज सर्फेस के दूसरे साइड से वो बाहर निकल जाएगा वो यहां पर बाहर निकल रहा है सही

ये इक्वेशन आप तब यूज करते हो जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है जब आपका जो सरफेस होता है ना उसमें कर्वीनेस नहीं होती है बट अगर आपके पास कर्व्ड सरफेस होगा दैट मीन्स आपके सरफेस में कर्वीनेस होगी और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब फ्लक्स को आप ऐसे डिफाइन नहीं करते हो तब आपको डिफरेंशियल फॉर्म में फ्लक्स को डिफाइन करना होता है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं